जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बिहार में यूरिया की कालाबाजारी का सच। आखिर बिहार में यूरिया इतनी महंगा क्यों है और यही यूरिया यूपी में कम दामों पर और टाइम पर मिलता है, आखिर बिहार के क्या सच है, आज हम आपको बताएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लें। आप कृषि से जानकारी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। हमारे बिहार के कृषि मंत्री डॉ. कुमार सरजीत जी का कहना है कि जो हमें यूरिया केंद्र सरकार से मांग की थी उतना हमको नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना है कि हमने केंद्र सरकार से 8 मेट्रिक टन मांग किया जिसमें से हमको 7 मेट्रिक टन ही मिला, और वहीं पर केंद्र सरकार का कहना है कि बिहार में जितना यूरिया का मांग किया गया था उससे हमने दोगुना दिया। आखिर कौन कर रहा है कालाबाजारी, कौन बोल रहा है झूठ, कौन बोल रहा है सच, तो अब आपको बताएंगे हम। इस बार मौसम के परिवर्तन के वजह से बारिश काफी देरी लेट से हुआ जिसके कारण हमारे फील्ड में नमी रहा, और इसके कारण यह है कि फील्ड में नमी रहने के कारण गेहूं इस बार ज्यादा हो रहा है। जहां पर खेती नहीं होता था गेहूं का, वहां पर भी इस बार खेती हो रहा है गेहूं का। तो इसका ही फायदा उठाते हुए कृषि विभाग के अधिकारी लोग यूरिया को दोगुने दामों पर बेच रहे हैं, क्योंकि किसान को जरूरत है यूरिया की और उनको फील्ड में जरूरत है। इसका फायदा उठा रहे हैं कृषि विभाग के अधिकारी लोग और 260 की जगह 500, 600 में यूरिया ब्लैक में बेच रहे हैं। और दूसरा कारण डीएपी का यह है कि हमारा रूसिया और यूक्रेन का युद्ध, डीएपी का किल्लत, रशिया से हम लोग 40% हम लोग इंपोर्ट करते हैं डीएपी। और दूसरा कारण ये भी है रशिया और यूक्रेन का युद्ध, जहाँ पर हम लोग रशिया से हम लोग 40% हम लोग डीएपी इंडिया में मंगवाते हैं, और जो युद्ध के कारण हमें इंडिया में टाइम पर नहीं मिल पा रहा है, यही कारण दूसरा भी है। किसान यदि जागरूक है तो जो ब्लैक में बेच रहा है यूरिया, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, उसको पकड़ाइए, उसी समय उस डीलर को बंद करवाइए। सो दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और जय हिंद जय भारत।